हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के सेकंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में ओनली 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सभी सेम बेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने जो इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। बट क्या हम वर्ड प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनीषा टुक 5 और 20 चॉकलेट्स। मनीषा 20 चॉकलेट से 5 चॉकलेट्स लेती है। व्हाट परसेंट ऑफ द सी टेक, तो उसने कितने परसेंट चॉकलेट लिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो मनीषा ने जो है कितने चॉकलेट से 5 चॉकलेट्स लिया था, 20 से 5। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कर गए, ऑनलाइन का स्टेटमेंट कर देते हैं। मनीषा टुक चॉकलेट्स इक्वल टू 5 हाफ 20। अब यहाँ देखिए, इससे पहले कि हमने जो वीडियो में आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और हमें परसेंट फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 5/20। और हमने जब आपको फ्रैक्शन बताया था, फ्रैक्शन का चैप्टर हमने आपको जब बताया था, तो फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको कि जो टोटल नंबर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। ये तो बताया गया था ना, जो टोटल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ टोटल चॉकलेट कितने थे, 20, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। उसमें से उसने जो है मनीषा ने कितने चॉकलेट लिए, 5 चॉकलेट लिया उसने, तो यहाँ 5 चॉकलेट न्यूमरेटर में रखेंगे। ये क्लियर हो गया, हम इसको चेंज कर देंगे इसमें फ्रैक्शन में। और हमने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में, जब भी हम परसेंट में फाइंड करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से देखिए 2 से 0 कैंसिल, 2 से यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5 का। और यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। आंसर आ गया 25%। तो मनीषा ने कितने परसेंट चॉकलेट लिया, 25% चॉकलेट लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, बट आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे।